गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हम आज सवेरे सवेरे उठ गए हैं, तो आज हम आपको अपना कॉलेज दिखाएंगे जहाँ हम शिक्षित हो रहे हैं, मतलब ये BHMS का कॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे कॉलेज की पहली बिल्डिंग जो है महिला छात्रावास, इसको हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। शांतिपुरम का इलाका है और ये रही हमारे कॉलेज के महिला छात्रावास की दूसरी बिल्डिंग जो अभी नई बनी है, और ये बगल में उसके स्मार्ट क्लासेस हैं जो उनकी बन रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। अब देख सकते हैं स्मार्ट क्लासेस काफ़ी स्मार्ट बन रही हैं, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, हमें भी इंतजार है इन स्मार्ट क्लासेस में जाने का। और ये हमारे कॉलेज की है पुरानी बिल्डिंग, मतलब जहाँ पहले क्लासेस लगती थी, मतलब अभी भी लगती ही हैं, कहे सके ये स्मार्ट क्लास जो बनी है ना इसमें भी एंट्री नहीं हुई है, तो अभी भी हमारे लिए स्मार्ट ही है। और ये हमारे कॉलेज के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ऑफ एमओ प्रयागराज। देखिए तीर वीर के साथ है, मतलब दिखा रहे इधर ही है कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज का मतलब मेन एंट्री गेट है। देख रहे हैं ये शानदार लग रहा है, चलिए अंदर चलते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम है, देखने में तो शानदार बिल्डिंग लग रही है लेकिन है किसी काम की नहीं। कहा से कि ऑडिटोरियम इसमें बन रहा था लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से बता दिया गया है कि इस बिल्डिंग में कमजोरी है, अब इसको गिराया जाएगा, तो इसका काम रुका हुआ है। और ये हम जो शिक्षा भवन दिखाए थे, जो मतलब मेन वाला शिक्षा भवन जो चल रहा है अभी, यहाँ से मतलब देखिए जो दिख रहा है हनुमान सर जी की मूर्ति, मतलब फोटो वोटो, इसी के अंदर जाएंगे तो क्लासेस चलती हैं हमारी। ये जो सामने गाड़ी पार्क करने की भी जगह है, तो यहाँ पे देखिए पहले हनुमान सर जी की बात हुई तो इनकी मूर्ति भी देख लेते हैं। देखिए ये हनुमान सर जी की मूर्ति है, इन्हीं की वजह से हम जी खा रहे हैं, यही है होम्योपैथी के कर्ता धर्ता, तो जय हनुमान सर जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए बाह्य रोगी विभाग, जिसको अंग्रेजी में OPD कहते हैं। देखिए पोस्टर बैनर अभी लगा है, अभी जो भी कहेंगे इसको अभी लगा है, अभी OPD दिखाते हैं जहाँ पर मरीज वरीज आते हैं। देखिए यहाँ से एंट्री होती है OPD में, OPD खुल गई है लेकिन अभी कोई आया नहीं, कहा जैसे कि काफ़ी सुबह का वक्त है, तो यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर बैठते हैं केविन ओविन में। चलिए किसी सेपरेट वीडियो में दिखाएंगे OPD के बारे में। और ये IPD भी है हमारे कॉलेज में, पता है आपको, क्या ही पता होगा, आप तो पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं दिखा देते हम। देखिए बोर्ड लगा हुआ है ना, देखिए देखिए वे टू OPD, एलोपैथिक का है जो भी अरेंजमेंट, एलोपैथिक दवाई भी थोड़ी बहुत काम भर के मिल जाती है। और आपको एकदम बिल्कुल नई चीज़ दिखाते हैं, देखिए कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, ये मतलब इसके अंदर कुछ तो होता है वो हमको पता नहीं है, तो चिकित्सा अधिकारी का है जो भी है इधर। और ये कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत ग्रीनरी, फूल पत्तियां भी लगी हुई हैं इसी में, दिखेंगी अभी दिखेंगी, थोड़ा आगे चलते हैं फिर दिखेगा। और ये हमारे टीचरों का डिपार्टमेंट है, देखिए ये सब बिल्डिंग है ना जो ये बाहर से चाहे जैसी दिखे, अंदर से एकदम आलीशान AC लगे हुए, एकदम चकाचक कमरे हैं, एकदम समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी रहती हैं। तो ये देखिए हमने कहा था ना फूल पत्तियाँ दिखेंगे कुछ कुछ, देखिए फूल वूल दिख रहे हैं थोड़े बहुत, ये थोड़ी बहुत ग्रीनरी तो है यहाँ पे, तो देखिए एकदम गुलाब गुलाब का फूल लगा हुआ है, सुगंध एकदम लाजवाब आ रही, वो तो दिखा नहीं सकते ना वीडियो में, मतलब सुहा तो सकते नहीं। अब ये देखिए ये हमारा ये वॉलीबॉल कोर्ट है ज़बरदस्ती, सब हम ही ने तैयार किया, मतलब हम ही लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, ज़बरदस्त कोर्ट, एकदम मैच होता है दिन रात, मज़ा ही आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देख रहे हैं वो फिर से वो गर्ल्स हॉस्टल जो बाहर से दिखाए थे, देखिए अंदर से ऐसे दिखता है। और ये है वो शिक्षा भवन की बिल्डिंग जो दिखाई थी ना बाहर से, अंदर से ऐसी दिखती है, देखिए मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाता है, देखिए एकदम बाउंड्री वाउंड्री एकदम चकाचक है, और वहाँ पर चौकीदार भी बैठा रहता है कोने में, देख रहे हैं आप हमारे कॉलेज की कैंटीन, और ये हमारे मुख्य चौकीदार अभी जगह हुए हैं, अभी सुबह सुबह अभी जगह। और ये देखिए बॉयज़ हॉस्टल की तरफ का रास्ता है, उधर देखे थे ना एकदम सीमेंटेड रोड, एकदम पहुंची गेट तक बॉयज़ हॉस्टल, देखिए ऐसे चलते रहे पहुंच जाएंगे आप, कोई सीमेंटेड रोड रोड मिलेगी नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और ये बाउंड्री वाउंड्री थोड़ी ही दूर तक है, देखिए उधर टूटी उठी अभी दिखाएंगे आपको चल के उधर से, देखिए तो ये रहा बॉयज़ हॉस्टल जिसको हिंदी में पुरुष छात्रावास भी कहा जाता है। और ये हमारा मेस है, मेस वाली बिल्डिंग है, चलिए अंदर से दिखाएंगे मेस, तो पुरुष छात्रावास प्रवेश द्वार पर हैं हम। तो ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ हनुमान सर जी की फ़ोटो, एक घड़ी लगी हुई है पता नहीं किसकी कृपा से, और ये शीशा जहाँ बाल बाल लड़के झाड़ वाड़ लेते हैं। फिर डाइनिंग हॉल, ये मेस है हमारा, मेस में आई गया तो अंदर भी दिखाई देते हैं, देखिए
ऐसी अरेंजमेंट है मेस में, मतलब कुर्सी और टेबल वेबल तो दिख ही जाएगी, खावा सकते हैं आराम से एकदम बैठ के। टॉयलेट टॉयलेट है, छोड़िए अंदर क्या ही देखेंगे टॉयलेट टॉयलेट। चलिए अब चलते हैं, देखिए इधर से देखते रहे हैं तो सुरक्षा है लड़कों के लिए। देखिए इधर से बाहर निकल गया, और आपको मजाक लगेगा इधर से इधर चलते चलते बाहर निकल जाएंगे। पहले यह देख लीजिए जिन सामना बिल्डिंग ये दिख रही है आपको, ये नया बॉयज हॉस्टल बन रहा है, कई कई साल हो गए, मतलब पता नहीं कब से बन रहा है, हम तो आए थे तब से बन ही रहा था, तब मतलब इतनी बिल्डिंग बन गई थी, पहले से बन रही है ये। देखिए देखिए उधर से, देखिए बाहर जा सकते, कोई मुँह उतरा इधर, ज़्यादा देर तक दिखाएंगे नहीं, नहीं तो कहेगा हमको फिल्माने आए थे। देखिए इधर बाउंड्री टूटी हुई है, इधर 9-10 है, भाई 9 है, 9 में तो हम लोग रहते हैं। चलिए दिखाते हैं सार्वजनिक कमरा, लेकिन लड़के 7-8 बज गए लेकिन अभी तक सो रहे हैं सब, सबके सब आलसी लड़के पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा कमरा है जहाँ हम रहते हैं, देखना है, देखिए स्टडी स्टडी टेबल टेबल कुछ नहीं है, देखिए मतलब है टेबल तो है लेकिन किताबें दो चार पड़ी हुई हैं, बाकी सब देखिए ऐसे सामान फैला रहता है, बाकी पढ़ते वढ़ते थोड़ी हम लोग। देखिए इधर देखिए एकदम किताबों का इधर ढेर लगा रखा है, जब से खरीद के लाए हैं तब से छुई नहीं है, तो यही सब है, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ लिख के बन जाएंगे डॉक्टर, पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना 2-3 साल लग जाएगा कि सेकेंड ईयर ही पास करने में। यहाँ पर देखिए वाटर कूलर लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी सुविधा है, देख लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि यही एक वाटर कूलर है जो पूरे कॉलेज में आपको दिखेगा, मतलब पूरे बॉयज़ हॉस्टल में यही है जो है, यही पानी पिलाता है पूरे हॉस्टल को, तो इसको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए टंकी है, एक टंकी दो, ये आप इसको ढक्कन वक्कन की उम्मीद ना रखिए इस पर, मतलब ढक्कन वक्कन लगाओ, सब सुविधा के लिए है लड़कों के, आराम से डायरेक्ट मग डालिए उठा के नहाइए, फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ के दीजिए, ढक्कन है ही नहीं तो क्या ही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर टंकी वंकी लगी, बाकी पानी वानी भी आ रहा है, देखिए सीनियर थे वो भी देख लेते हैं ना कि हम वीडियो बना रहे हैं, गरियाए होते हैं खूब जोर जोर से। ये छोड़िए जान बची तो लाखों पायो, अब ऊपर चलते हैं एकदम टॉप फ्लोर पे, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है ये, मेहनत हो जाती है वीडियो बनाते बनाते। देखिए मतलब अभी पुराना भी है, दरारें पड़ी हुई दिख रही है, लेकिन चिंता मत करिए टूटेगी नहीं है, सरकारी काम है ना, जल्दी ख़राब भी नहीं होता। देखिए इधर ये 2 टंकी और है, वो छोड़िए वो झाड़ी वाड़ी मत देखिए, साफ़ सफाई तो यहाँ मतलब भूल ही जाइए। देखिए वह हॉस्टल है जो बन रहा है इतने दिनों से, इससे तो हम परेशान हो गए, मतलब रोज़ रोज़ यह ढांचा देख देख के हमारा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। और फिर से ये 2-3 टंकी, टंकी खूब सारी है, कैसे कि पानी आने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ना, थोड़ी गंदगी वंदगी भी है छत पर, छोड़िए अब कौन छत पर झाड़ू मारने आएगा। देखिए टॉप व्यू देखिए कितना शानदार है, देखिए जो देख रहे हैं ये IPD है, और ये हमारा OPD अभी जो दिखाए थे, ये शिक्षा भवन की बिल्डिंग, ये ऑडिटोरियम जो कि धराशाई होने वाला है, और ये बॉयज़ हॉस्टल पे तो हम है ही। देखिए देखिए बॉयज़ हॉस्टल फिर से दिखा देते हैं, नीचे वाला दिख रहा है बॉयज़ हॉस्टल है, देखिए वो शिक्षा भवन, देखिए कितना शानदार नज़ारा, देखिए सुबह का सूरज भी दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त सीन है इधर से, देखिए एकदम मतलब गाड़ियों वाली देख रहे हैं एकदम दंदनाती हुई दिखेंगे यहाँ से चलती हुई। तो ये है हमारा लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि प्रयागराज में स्थित है। तो बस यही सब था आज के लिए, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।